चीज है ग्रंथों के अंदर। मैंने कहा और कह रहे हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, अरे करोड़ों लोगों की आस्था है। बाबा नागार्जुन ने जिस चीज को स्वीकार किया कि मानस में आपत्तिजनक टिप्पणियां है, डॉक्टर भैया ने भी स्वीकार किया, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया, ये तीनों तो ऊंची बिरादरी के थे, हम ही पिछड़ी जाते, ये तीनों के तीनों बाबा नागार्जुन का परिचय जरूरत है क्या? या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए उनकी, या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें भी डाल, अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो उसमें थोड़ा पोटेशियम फैलाइट डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम फैलाइट टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो किंवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो धर्म पर 200 रुपया पड़ने रखा, हमको इस बात का मोहन भागवत जी दो बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में, अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे अगर उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी, गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी, तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। ये जितने भी इंडी अलायंस वाले हैं इन सबके अंदर हिंदू धर्म के लिए जो जहर भरा हुआ है उनके हर वाक्य में ये विषय दिख रहा है, वरना आप सोचिए कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म डेंगू है? कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म मलेरिया है? कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म एड्स है? ऐसे शब्दों का तो प्रयोग ये रोज रोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, अरे करोड़ों लोगों की आस्था है। राम नाम सत्य है कहके हम सब इस धाम से परलोक जाते हैं, उस राम के नाम को जहर बताना, इतनी हिम्मत जो लोग रखते हैं वो इस देश के ही मूल आस्था पर सवाल करते हैं, उस पर चोट करते हैं, इसमें तो कोई दोमत ही नहीं है। उनका पूरा जनता बॉयकॉट करेगी, आप देखिएगा पूरा लिस्ट, उनका लिस्ट भी नहीं निकल सकता, इतना बड़ा है।